हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस पर आधारित क्वेश्चन। एसिड और बेस दो सॉल्यूशन है, यदि हम उसको मिला देते हैं तो उस मिक्स सॉल्यूशन का पीएच मान कैसे निकालें। तो बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं, आप बने रहिए। देखिए, एक सॉल्यूशन एसिडिक है और दूसरा है बेसिक। अब इसका पहला रूल ये है, ये वाला एसिडिक है उसके लिए पीएच ए लिख रहे हैं और बेसिक के लिए पीएच बी, तो दोनों का पीएच को मिलाकर यदि 14 हो रहा है तो हमको उत्तर क्या आएगा, उस मिक्सचर सॉल्यूशन का पीएच होगा 7। याद रखना है, 14 आ रहा है दोनों का, मान लो इसका 3 है और इसका कितना हो जाएगा 11। इस दोनों को मिला के यदि 14 हो रहा है तो इसका पीएच मान, इस सॉल्यूशन का पीएच मान क्या हो जाएगा 7। उसी तरह से यदि पी एच ए और पी एच बी को मिलाकर, दोनों एसिडिक और बेसिस का पी एच मिलाकर 14 से कम हो रहा है, कम हो रहा है, उस स्थिति में याद रखना है जो मिक्सचर का पी एच है, उस मिक्सचर सॉल्यूशन का पी एच पी एच ए के बराबर होगा, लगभग उसके करीब होगा। मान लो इसका है 3 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं 9, 9 3 कितना हो गया 12। अब 12 जो है 14 से कम है, तो 14 से कम है उसके लिए मैं क्या बताया, पी एच ए उसके करीब होगा, पी एच ए का मान 3 है, तो उत्तर कितना होगा इस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का पी एच होगा 3 के करीब होगा। उसी तरह से पी एच ए और पी एच बी को मिलाने पर यदि 14 से ज़्यादा हो रहा है, 14 से ये ज़्यादा हो रहा है, मान लो आ गया 16, इसका पीएच मान यदि 4 है और दूसरे का पीएच मान कितना हो जाएगा 12, 12 और 4, ये 4 और ये 12, 16 हो रहा है, यानी 14 से ज़्यादा है। अब 14 से ज़्यादा है मतलब पीएच बी के करीब होगा, यानी 12 के लगभग हमारा आंसर आएगा, 12 ही होगा पीएच बी। अब हमको ये याद रखना है, पहला सॉल्यूशन एसिडिक होगा, दूसरा बेसिक होगा। आपको पता है एसिडिक और बेसिक, 7 से पीएच कम हो तो एसिडिक होता है, यानी पहला का मान 7 से कम ही होगा, 2 3 4 5 जितना भी हो, मान लो 5 है, और बी का मान 7 से ऊपर होगा, 7 से ऊपर, जैसे कि 8 मान लें, 8 5 13 है, 13 14 से कम है, 14 से कम है, तो उसका पीएच मान 5 के करीब आएगा सॉल्यूशन का पीएच मान, क्योंकि यदि 14 से कम है तो सॉल्यूशन का पीएच मान 1 के करीब होता है, 1 क्या है 5 है। तो इस तरह से समझ आया होगा। तो कैसे लगा ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।